क्यों टूटा, ये प्यार क्यों रूठा, जीवते अधूरी रातें। आज नहीं बताऊंगा दोबारा, बड़ा टारगेट का क्या काम है और आरडी का क्या काम है, डिस्कस कर चुके हैं हम कल। ठीक है भाई, डिफाइन कर दिया आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग ए नो शर्ट आईपी एड्रेस 1200। डन। राउटर यही जी आर पी 100 एड्रेस फैमिली आईपी V4 वीआरएफ ए नेटवर्क। क्योंकि वी आर एफ ए में भी एक ही नेटवर्क है मेरे पास, मल्टीपल थोड़ा है, तो मैं यहाँ भी मैं अनकंडीशनली चला सकता हूँ, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। शो आईपी राउट वी आर एफ सी से राउट पी पे आ चुका है। क्लियर भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब कोर कॉन्फिगर कर लें। लूपबैक बनाया पहला 2.2.2. बना लिया भाई 23002। राउटर ओएसपीएफ 1, ये मैंने कल आपको ये भी बताया था कि मैं नेटवर्क 00 कमांड चला सकता हूँ, क्योंकि ग्लोबल राउटिंग टेबल में सिर्फ मेरे पास दो इंटरफेस है, एक लूपबैक और एक फिजिकल इंटरफेस। ठीक है जी, चला दिया भाई ओएसपीएफ। अब सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ आरडी क्या दी, बोथ का मतलब एक्सपोर्ट भी वैल्यू सेम और इंपोर्ट भी वैल्यू सेम। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग ए आईपी एड्रेस 45004। ठीक है, राउटर अब देखो एड्रेस फैमिली आईपी V4 वीआरएफ ए, समझ में आई बात, नेटवर्क वर्जन नो, कस्टमर राउटर पे आ गया, इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 10.1. आईपी एड्रेस 4500, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क देखो शो आई पी राउट पी आर एफ ए आ रहा है, रूट कस्टमर ए का सॉरी हो रहा है, आर फोर से करके देख लो पिंग हो रहा है, एग्री। दोनों कस्टमर दोनों पी राउटर से कस्टमर रीचेबल है। अब पी टू पी रूट एक्सचेंज कराने हैं, कैसे कराने हैं, सबसे पहले वीपीएन V4 नो बीजीपी डिफॉल्ट आईपी V4 यूनिकास्ट नेबर रिमोट एस नेबर नेबर। कल आपको ये बात बता दी थी कि बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड कम्युनिटीज अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। राउटर बीजीपी 100 नो बीजीपी डिफॉल्ट आईपी V4 यूनिकास्ट नेबर नेबर
एड्रेस फैमिली नेबर डन शो बीजेपी स्टेट क्या आ रही है एक बार के देख लो एक बार यहाँ तो बीएनएफ लिखने की जरूरत नहीं है सब कुछ किसमें है ग्लोबल राउटिंग टेबल में किसमें है चलो आ जाएगी नेबरशिप भी आप वेट कर लो आ गई लॉग भी आ गया बीजेपी एडजेसेंसी नेबर क्या आ गया प्रीफिक्सेस कितने रिसीव हो रहे हैं जीरो क्यों मैंने अभी ईआईजीआरपी को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो देखो कर देते हैं राउटर वाइस वर्सा साथ साथ ही कर देता हूं डन कर दिया रिडिस्ट्रीब्यूट तो शो बीजेपी आ रहे हैं 2.2 से दो राउट आ रहे हैं ना EIGRP वाले दिख रहे हैं सबको अब R4 पे राउटर बीजेपी डन राउटर डन तो एंड टू एंड रूट आ जाने चाहिए कस्टमर राउटर पे कभी भी VRF कॉन्फ़िगर नहीं होता प्रोवाइडर राउटर पे क्यों होता है क्योंकि उसे हर कस्टमर की राउटिंग टेबल क्या रखनी है सेपरेट क्या रखनी है सेपरेट क्लियर भाई R5 पे भी रूट आ जाने चाहिए आ रहे हैं 10.1.1.0 भी आ रहा है और 12 का नेटवर्क भी आ रहा है एग्री अब एंड टू एंड रूट एक्सचेंज हो चुके हैं अब ट्रैफिक की बात करें बहुत आसान है ध्यान से समझना फिर बता रहा हूँ अब RDRT का कोई काम नहीं उनका काम खत्म तो प्लीज पहली बात तो कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन को मिक्स मत करना खुद कन्फ्यूज होगे फॉरवर्डिंग प्लेन अलग तरीके से काम करेगा और कंट्रोल प्लेन ठीक है भाई चलो बात करते हैं ठीक है भाई अब देखो अब कंसर्न है मेरे कुछ लेट से तुमने यहां से लिखा पिंग 10.1.2.1 क्लियर ट्रैफिक किसके पास गया टू के पास टू के इस इंटरफेस पर रिसीव हुआ इंटरफेस किसका मेंबर है शो आईपी रूट VRF है इसके पास 10.1.2.0 और किससे लर्न हो रहा है बीजेपी से भाई R4 ही तो दे रहा है एग्री अब इशू क्या है देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न इसके VRF इंटरफेस पर रिसीव हो रहा है एग्री इस बंदे को पता चलता है नेक्स्ट स्टॉप क्या है लेकिन 4.4 को कैसे रीच करना है ये इसकी VRF राउटिंग टेबल में तो है ही नहीं इसका मतलब 4.4.4 को ये डायरेक्टली तो रीच कर ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है ना क्योंकि उसको पता ही नहीं कि 4.4 के पास कैसे जाना है एग्री बट इसे एक बात पता है देखो अभी मैंने MPLS नहीं चलाया ना अब मैं कोर में MPLS चला देता हूँ कैसे चलाऊंगा देखो मैंने कमांड चलाई थी राउटर OSP1
मैं राउटर OSPF 1 में कमांड चलाऊंगा MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया 0। इसका मतलब क्या है, जिन जिन इंटरफेसिस पे हमने OSPF एनेबल किया हुआ है उन इंटरफेसिस पे MPLS भी क्या कर दो, एनेबल कर दो। क्या कर दो, देखो शो दिखाता हूँ आपको, शो MPLS एनेबल है ना FA0/1 पे। क्लियर, बात समझ में आई यार? देखो मैं इंस्टेड ऑफ रनिंग MPLS IP कमांड ऑन ईच एंड एवरी इंटरफेस, मैंने राउटर को क्या बोला, जिस इंटरफेस पे OSPF चल रहा है उस पे MPLS भी चला दो। एग्री, चलो R3 पे भी राउटर OSPF 1 MPLS LDP कौन से एरिया के लिए, 0 के लिए, राउटर OSPF 1 MPLS LDP नेबरशिप आ गई इसकी 3 के साथ LDP। देखो शो MPLS इसके बाद 4.4.4 के लिए टैग है, टैग क्या है 70। देखो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल 4.4.4.4 दिख रहा है आपको, आउटगोइंग टैग क्या है, इंटरफेस भी दिख रहा है, नेक्स्ट स्टॉप भी दिख रही है। अब बात समझते हैं दोबारा, हम बात करते हैं R2 के VRF राउटर, VRF इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ था, किस पे, VRF इंटरफेस पे। एग्री, अब अगर R2 ने ये सेम ट्रैफिक R3 को भेज भी दिया तो R3 को क्या 10.1.2.0 वाले नेटवर्क के बारे में पता है? नहीं, ये तो ब्लैक होल क्रिएट हो गया। एग्री, अब मैं R2 पे चेक करता हूँ, शो IP सेफ 10.1.2.0 क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच करने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 4.4.4। अब इसे पता है कि 4.4.4 तक अगर इसे जाना है तो ये कभी भी ट्रैफिक को नॉर्मली सेंड नहीं कर सकता, ट्रैफिक को इसे क्या करना पड़ेगा, लेबल, क्या करना पड़ेगा, लेबल, क्योंकि 4.4 तक पहुंचने के लिए इसके पास एक लेबल है ना, और लेबल कौन सा है, 17 दिखाया मैंने अभी आपको। तो ये करेगा, ये इस ट्रैफिक को लेबल कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, लेबल। एग्री, 17 नंबर लेबल लगा दिया इसने, ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, कौन सा लेबल लगा दिया, क्योंकि इसे पता है कि 4.4.4 तक जाने के लिए लेबल क्या है, 17। इन्हें ट्रैफिक के साथ 17 नंबर लेबल लगाया, R3 के पास फॉरवर्ड किया। अब R3 के पास शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, इसने देखा कि 4.4.4 पे जाने के लिए 17 लग के आएगा, उसको मुझे रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है, बिकॉज ऑफ PHP, बिकॉज ऑफ भाई एक हॉप पहले ही लेबल उतर जाता है ना। अब ट्रैफिक किसके पास पहुंचा, R4 के पास, R4 के कौन से इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव हुआ, इस इंटरफेस पे, ये तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में है, लेकिन ग्लोबल राउटिंग टेबल में रूट नहीं होगा, 10.1.2.0 वाला रूट है, नहीं होगा। इसका मतलब ट्रैफिक अगर R4 तक पहुंच भी जाता है, ग्लोबल इंटरफेस पे रिसीव हुआ, ग्लोबल राउटिंग टेबल चेक होगी, उसमें कभी ये डेस्टिनेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बात अब ये है कि रिसीविंग राउटर को, किसको, रिसीविंग राउटर को ये पता कैसे चलेगा ये ट्रैफिक मेरे को किस VRF की राउटिंग टेबल को देख के फॉरवर्ड करना है। एग्री, मेरा कंसर्न क्या, दोबारा बता रहा हूं, अब तक हमने MPLS लेबल का यूज तो देखा, MPLS लेबल का क्या यूज है, इस कोर नेटवर्क में किसी के पास भी सारे रूट्स नहीं है, बट सबके पास एंड नेक्स्ट हॉप तक जाने का लेबल है, किस तक जाने का, एंड नेक्स्ट हॉप तक जाने का, जैसे कि R2 के पास है 4.4.4 तक जाने का। एग्री, अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही R4 के पास ट्रैफिक आता है, R4 ये चीज नहीं समझ पाता कि मुझे किस VRF की राउटिंग टेबल को देख के इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक और लेबल बनाया, क्या बनाया, एक और जिसको बोलते हैं VPN V4 लेबल, क्या बोलते हैं, VPN V4 लेबल। अब क्या होगा, जैसे ही R2 ट्रैफिक को MPLS कोर में फॉरवर्ड करेगा, लेट्स से आपका डेटा आया था, डेटा के साथ सबसे पहले कौन सा लेबल लगाएगा, VPN V4, फिर कौन सा लेबल लगाएगा, MPLS, कितने लेबल हो गए टोटल, दो। ट्रैफिक आएगा R3 के पास, R3 कौन सा लेबल चेक करेगा, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा, अब R3 तो PHP के चलते MPLS लेबल को क्या कर देगा, रिमूव, ये बंदा कौन सा लेबल देखेगा, VPN V4, इसे पता चल जाएगा कि कौन से VRF की राउटिंग टेबल चेक करनी है, वो राउटिंग टेबल चेक करके ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देगा। एग्री, इतनी चीज समझ में आई, देखो दोबारा दिखाता हूं, R4 पे चलूं,
चलो R2 पे आ जाओ, शो BGP VPN V4 यूनिकास्ट ऑल लेबल्स। आपको दिख रहा है कि 10.1.2.0 तक जाने के लिए मेरे नेक्स्ट स्टॉप क्या है, और मुझे एक आउट लेबल मिल रहा है 19। मतलब जब भी मुझे इस नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजना है, मुझे लेबल लगा के कौन सा भेजना है, 19 लेबल लगा, आउट लेबल है ना, कौन सा लगा के भेजना है, 19। बात समझ में आई। दूसरी बात, R4 पे आ जाऊं, शो BGP VPN V4 यूनिकास्ट ऑल लेबल्स। इसे भी पता है कि जब इसे 10.1.1.0 पे ट्रैफिक भेजना है, लेबल लगा के कौन सा भेजना है, 19। कौन सा लेबल लगा के भेजना है, 19। इतनी चीज समझ में आई। तो ट्रैफिक में कितने लेबल कैरी होंगे, दो, एक VPN V4 और एक MPLS। MPLS लेबल किस लिए है, कि मेरा ट्रैफिक किस कोर से पास हो जाए, MPLS कोर से। अब याद रखना, बाय डिफॉल्ट MPLS कोर में पी राउटर्स के पास कोई भी रूट्स नहीं होते, तो वो फॉरवर्डिंग किसके बेस पे करते हैं, लेबल के बेसिस पे। कौन से लेबल के बेसिस पे, MPLS लेबल के बेसिस पे। कौन से लेबल के बेसिस पे, MPLS लेबल के बेसिस पे। और दूसरी बात, जब एक egress LSR का मतलब egress label switch router, जब भी ट्रैफिक रिसीव करेगा ग्लोबल राउटिंग टेबल में रिसीव करेगा, उसे पता कैसे चलेगा ये ट्रैफिक मेरे को किस VRF की राउटिंग टेबल को चेक करके फॉरवर्ड करना है, VPN V4 लेबल के थ्रू। किसके थ्रू, VPN V4 लेबल के थ्रू। क्लियर? कंसर्न समझ में आया? अब देखो R32 पे आ गया, दोबारा कमांड चलाई, शो IP सेफ VRF A 10.1.2.0। तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे, VPN राउट है एक, ठीक है जी। एग्जिट इंटरफेस क्या है, ठीक है, किस नेक्स्ट स्टॉप से रीच होगा, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 17 क्या है, MPLS लेबल, और 19 क्या है, VPN V4। ठीक है जी, यहाँ पे 17 और 19 दो लेबल दिखा रहा है। चलो जी, ठीक है, बात समझ में आई सबको, सबको 17 MPLS लेबल है, ये देख, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल फोल्ड आउटगोइंग लेबल क्या है, 17। पता क्या होता है, एक्चुअली डेस्टिनेशन के लिए लुकअप नहीं होता, नेक्स्ट स्टॉप के लिए लुकअप होता है। किसके लिए लुकअप होता है, अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे अगर शुभम से बात करनी है तो मैं अभिषेक के पास चला जाऊं, तो मैं लुकअप किसके लिए करूंगा, अभिषेक के लिए। वैसे ही मुझे पता है कि मुझे 10.1.2.0 पर जाना है, तो मुझे नेक्स्ट स्टॉप किसको रीच करना है, 4.4.4। अब 4.4 को रीच करने के लिए मेरे पास MPLS लेबल है, मेरे पास क्या है, MPLS लेबल है। दिस थिंग इज क्लियर? इतनी बात समझ में आई? देखो पिंग करो यहां से, हो रहा ट्रैफिक जा रहा है एक साइड से दूसरी साइड पे, देख लेते हैं। एक बस दिख रही है, अब कितने लेवल है भाई, 17 और 17 किस लिए है, 19 किस लिए है, ठीक है, समझ में आई इतनी बार? सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, समझ में आई सबको इतनी कहानी? चलो आगे, ये वाला लिंक दिखाऊं, कितने लेवल प्रेजेंट है, एक ही ना, क्योंकि अगर PHP की वजह से उसने एक और पहले लेवल क्या कर दिया, रिमूव, क्या कर दिया, रिमूव। एग्री? इतना कंसर्न समझ में आया? देखो ये चीज मैं आपको ऐसे भी वेरीफाई करा सकता हूँ। R4 के पास ट्रैफिक आया, R4 ने देखा लेवल क्या, अलग क्या आया, इन लेवल ना,
इन लेवल मतलब जो लग के आएगा और आउट लेवल मतलब जो मैं लगा के भेजूंगा। एग्री। 19 नंबर लग क्या है मतलब किस डेस्टिनेशन के लिए आया ट्रैफिक? एन डॉट वन डॉट टू डॉट सीरो। क्लियर? इतनी बात समझ में सबको? कोई दिक्कत इसमें? तो दो लेवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई दो लेवल का क्या फंडा है, एक एम्पीयरस लेवल है और दूसरा क्या है वीपीएन वी4 लेवल। तो ये देखो दोनों लेवल्स का यूज कब होता है, जब ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है। रूट एक्सचेंज में इन दोनों लेवल्स का कोई यूज नहीं है। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। अब देखो ट्रेस करता हूं मैं यहां से, ट्वेल्व डॉट टू भी आ रहा है, 23.3 भी आ रहा है, 44.5.4 भी आ रहा है। एग्री? मतलब पूरा आईएसपी का नेटवर्क दिख रहा है मुझे ट्रेस में। अब आईएसपी क्यों चाहेगा कि मेरे इंटरनल नेटवर्क किसी कस्टमर को भी ट्रेस में विजिबल हो? कस्टमर को तो क्या लगना चाहिए कि एक ही हॉप दूर है? कस्टमर को तो क्या लगना चाहिए पूरा प्रोवाइडर कितनी हॉप्स है? एक हॉप। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, R2 पे आगे कमांड चला सकते हैं, पी राउटर्स पे चलेगी कमांड सिर्फ। किस पे चलेगी बता देता हूं, इस कमांड से होता क्या, चला दी ये वाली हॉप गायब होगी ना। अब क्या दिख रहा है कि पूरा क्लाउड एक ही हॉप में क्रॉस हो गया, पूरा क्लाउड एक ही हॉप में क्रॉस हो गया। यार देखो ना, सबसे पहले नेक्स्ट हॉप क्या दिखी, ये पी राउटर, और दूसरी बार क्या दिखी, ये पी राउटर। एग्री? अब समझो इस चीज को, बाय डिफॉल्ट ट्रेस रूट कैसे काम करता है, ये राउटर पैकेट भेजता है टीटीएल 1 से, ठीक है, फिर पैकेट भेजता है टीटीएल 2 से। एग्री? अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अगर मैं इस पे कमांड चला रखी है मैंने नो MPLS IP propagate TTL, इस पे भी चला रखी है नो MPLS IP propagate TTL, मतलब मेरे को अपनी MPLS कोर नेटवर्क का TTL propagate नहीं करना, मुझे अपने इंटरनल नेटवर्क्स के बारे में किसी को नहीं पता। तो जब भी कोई पैकेट आएगा ना प्रोवाइडर कस्टमर एनवायरनमेंट से, ये IP हेडर से TTL कॉपी कर लेता था बाय डिफॉल्ट, IP हेडर से TTL क्या कर लेता था, कॉपी। अब मेरा एक कंसर्न है, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, ध्यान से मतलब ध्यान से, इसने TTL 1 के साथ पैकेट भेजा, ठीक है, इस पी राउटर पे आके ड्रॉप हो गया, मुझे पहली हॉप ट्रेस मिल गई। अब इसने TTL 2 के साथ पैकेट भेजा, एग्री, इसके पास आया, इसने किसको दिया, R3 को। अब बात क्या है, R3 तो रिप्लाई कर ही नहीं सकता, R3 को तो इसके बारे में बता ही नहीं है, तो रिप्लाई कैसे आया, तो रिप्लाई क्योंकि R3 के पास तो रूट है ही नहीं। मैंने ये हॉप भी ट्रेस कर रखी थी ना जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेस रूट किया था, देखो भाई हाँ, तो R3 ने रिप्लाई कैसे किया। तो क्या होता है गाइस, कभी MPLS नेटवर्क में जब भी ट्रेस या पिंग आप करते हो तो वो ट्रेस और पिंग थ्रू आउट LSP जाती है। क्या जाती है? मतलब R3 के पास ट्रेस आया, जैसे ही TTL 2 पे ड्रॉप हुआ, इसने रिप्लाई नहीं करना, ये LSP पे TTL उसमें दोबारा कितना कर देगा, 255 और उस पर्टिकुलर ट्रैफिक को किसके पास भेज देगा। अब R4 क्या करेगा, रिप्लाई। R4 क्या करेगा, रिप्लाई। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो देखो ठीक है, अब तो मैंने कमांड चला रखी है ना, हटा दूं इसको एक बार, कहां तक गया, दोबारा देख लो कहां तक गया, कहां तक गया,
नहीं आता हूँ आपको, मैं कह दूँ। देखो सोर्स क्या था, डेस्टिनेशन क्या थी, ठीक है, ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन थी, ये तो पुराने हो गए ट्रेस। यार मेरा पता कंसर्न क्या है, मैं लिंक ये वाला कैप्चर कर रहा हूँ, और अगर 23 ने रिप्लाई कर दिया होता तो इसी लिंक पर रिप्लाई रह जाता ना, तो मैं दिखा तो रहा हूँ आपको, रिप्लाई थ्रू आउट जाएगा, LSP जाएगा, ट्रैफिक एंड तक जाएगा, 4.4.4 तक। ये देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि 23003 किसको रिप्लाई कर रहा है, इन्हें लेबल कौन सा लगा के भेजा है, डिटेल कितना कर दिया ट्रैफिक में, 250। एक्चुअल ट्रैफिक क्या है, दिख रहा है, ट्रेस कर रहा हूँ ना, UDP ट्रैफिक है, लेकिन 23.003 ने रिप्लाई करना है। अब ये थ्रू आउट LSP भेजेगा, R4 तक जाएगा ट्रैफिक। अब R4 को तो पता है ना वापस रीच कैसे करना है, R4 ट्रैफिक वापस उसको भेजेगा 2 को, और 2 उसको रिप्लाई देगा 1, ठीक है। अब जब आप ये कमांड चला देते हो ना राउटर पे, कौन सी कमांड, इस कमांड से क्या होता है, यहां से TTL आगे प्रोपोगेट होता ही नहीं है। R2 पे ही राउटर अपना TTL 255 पैकेट में डाल देगा, वो पूरे नेटवर्क को क्रॉस करेगा, और पूरे नेटवर्क को कितनी हॉप काउंट करेगा, 1। क्लियर, देखो यार 1 क्या है, पीछे से नॉर्मल TTL वैल्यू आई, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, देखो यहां से ट्रैफिक आया, TTL 1 के साथ आया, यहीं ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब TTL 2 के साथ आया, यहाँ तक पहुँचा, फिर TTL 3 के साथ आया, यहाँ तक पहुँचा। जैसे ही मैंने कमांड चला दी ना, R2 ने IP हेडर से TTL कॉपी करना ही बंद कर दिया, ट्रेस रूट में TTL कितना डाल दिया, सीधा ही 255, और उसको फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर, तो आपका पूरा कोर नेटवर्क कितने हॉप्स में काउंट हो जाएगा, 1 सिंगल हॉप। क्लियर, तो ये रूल होता है, अगर कभी भी एक कस्टमर ट्रैफिक भेज रहा है और वो MPLS कोर में ड्रॉप हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर ये R3 पे ट्रैफिक ड्रॉप हो गया, किसके कारण, किसके कारण, तो ये ट्रैफिक कभी भी R3 पे ड्रॉप नहीं होगा। R3 क्या करेगा, इसको थ्रू आउट LSP किसके पास भेजेगा, R4 रिप्लाई करेगा कस्टमर को, भाई तेरा TTL क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया। वरना तो कस्टमर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कोर नेटवर्क में TTL क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया। वरना कस्टमर को कभी भी पता नहीं चलेगा कि कोर नेटवर्क में TTL क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया। तो यार ये रूल होता है बाय डिफॉल्ट कि जब भी MPLS क्लाउड में TTL ट्रांजिट में एक्सपायर हो जाएगा, तो वो राउटर उसको एंड या फिर थ्रू आउट LSP फॉरवर्ड करेगा, वो एंड ईग्रेस LSR तक पहुंचेगा, और ईग्रेस LSR फिर किसको बताएगा, कस्टमर को, कि भाई बीच में TTL क्या हो गया है, एक्सपायर। क्लियर भाई, तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। तो आपने देखा आ रहा है, प्रोवाइडर वाले राउटर नहीं आ रहे ना, और पूरा प्रोवाइडर कितनी हॉप में काउंट हो गया, 1 हॉप, कितनी हॉप में, 1 हॉप में, ठीक है जी। शो IP राउट VRF A। अब इसके बाद नेक्स्ट हॉप को रीच करने का कोई साधन नहीं है, ठीक है जी। तो ये स्पेशल फिनोमिनन है, ठीक है जी, MPLS के केस में, कि इसको पता है कि मैं 4.4.4 को ऐसे तो रीच नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है एक्चुअली, नहीं बता देता हूँ आपको, इंटरनल बात है, ग्लोबल राउटिंग टेबल चेक करता है, फिर देखता है इसके पास इसके लिए लेबल है या नहीं, लेबल है, लेबल लगाया और ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर भाई, अब कोई भी VRF के लिए ट्रैफिक आए, किसी भी VRF राउटिंग टेबल, VRF इंटरफेस पे ट्रैफिक आए, कोई भी VRF राउटिंग टेबल चेक हो, आपको हमेशा नेक्स्ट हॉप रीचेबल ग्लोबल राउटिंग टेबल से मिलेगी।
किससे मिलेगी? और ग्लोबल राउटिंग टेबल से भी आपको नेक्स्ट स्टॉप के लिए क्या मिलेगा? लेबल. क्या मिलेगा? लेबल. क्लियर? ये कंसर्न है यहाँ पे सर. तो दो ब्रांचेस कम्युनिकेट कर पा रही है, कोई इशू इसमें? तो यार ये नॉर्मल फॉरवर्डिंग है, ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं? TTL एक्सपायर नहीं होता भाई नॉर्मली, वो सिर्फ एक केस है. अगर TTL एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा? एक चीज और दिखानी है. इस पे, इस इंटरफेस पे MPLS कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपने? IGP के थ्रू. किसके थ्रू? ठीक है जी. अगर आप इंटरफेस पे कमांड चलाते तो इंटरफेस कॉन्फ़िग लिखा होता है यहाँ. चला के दिखा देता हूँ आपको. क्या लिखा हुआ है? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, चले आगे. ठीक है, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल. ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया. किसी के पापा भी ट्रैफिक नहीं फॉरवर्ड करा सकते. एक रीजन है ना उसका, ठीक है. तो इस तरह से अगर कोई लेबल को फिल्टर कर देगा बीच में तो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो रहा ना. प्रॉब्लम क्या? देखो, चेक क्या करना है सीधा, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई P2C कनेक्टिविटी है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए? दो लेबल है मेरे पास, एक तो VPN V4 और दूसरा MPLS. चेक कैसे करना है? क्या आ रहा है? मतलब मेरे पास 4.4.4 के लिए लेबल ही नहीं है. एक और वे भी होता चेक करने का. कितने लेबल दिख रहे हैं यहाँ? होने कितने चाहिए? दो. क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? पक्का ना? आर यू श्योर? ठीक है, चले आगे. ठीक है, फोर डॉट फोर के लिए अभी भी आउट लेबल नहीं है. क्लियर? MPLS LDP नेबर
नेबर कौन है? 3.3.3. MPLS LDP अब आ रहा है, ट्रैफिक भी जा रहा होगा, ठीक है भाई, समझ में आ सबको? ऐसा भी हो सकता है इसमें कुछ, अगर मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँ आपको, लेट्स से लिंक कनेक्टेड है, ठीक है, मैं कहता हूँ बेस्ट पाथ ये है, बेस्ट पाथ क्या है ये, लेकिन यहाँ पे ना LDP नेबरशिप नहीं है, ट्रैफिक इस पे आगे सारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप, इसको बोलते हैं LSP ब्रेक होना, क्या ब्रेक होना, अगर आपके पास एंड टू एंड MPLS लेबल एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इसको आप टेक्निकल टर्म्स में बोलते क्या हो, LSP क्या है, ब्रेक, ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। अब एक आखिरी कंसर्न है मेरा इसमें कि यार MPLS लेबल को एक्सचेंज कराने के लिए तो LDP रिस्पॉन्सिबल है, VPN V4 लेबल को कौन एक्सचेंज कराता है, BGP, कौन एक्सचेंज कराता है, BGP, दिखाता हूं मैं आपको, स्टार्ट कैप्चरिंग, अब आप होगा सब दिखाओगे कैसे, ऐसे भाई देख R1 पे आए और लूपबैक बना दिया, एक और नेटवर्क एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करते रहे, दो डॉट दो ने अपडेट भेजा किसको, दिख रहा है अपडेट, BGP अपडेट है, अपडेट में भी कौन सा लेबल लग के जा रहा है, क्योंकि अपडेट जाके इसके ले रहा है, एग्री भाई, समझ में आई बात, चलो चलो हर चीज दिखाऊंगा आज, एक्सटेंडेड कम्युनिटी देखो पहले तो, RT क्या जा रही है, दिख रही है सबको, RT क्या जा रही है, 1:1 लेवल स्टैक में लेवल क्या जा रहा है, 21, मतलब 2:4 को बोल रहा है, तेरे को अगर इस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक भेजना है तो मुझे कौन सा लेवल लगा के दियो, 21, तो R4 पे लेवल क्या होगा, आउट लेवल क्या होगा, 21, चेक करा दूं, शो BGP VPN V4 21 क्या है, आउट लेवल है ना, क्योंकि 2:4 को क्या बोल रहा है, तेरे को इस नेटवर्क पे ट्रैफिक भेजना तो मुझे कौन सा लेवल लगा के देगा, 21, और यही लेवल आप अगर 2 पे देखोगे तो कौन सा होगा, 21. क्या है ये भाई, इन और आउट तो चेक कर लो, 21 ही कर रहे हो दोनों बारी, यहाँ पे क्या होगा, इन लेवल, मतलब जब भी इसको ट्रैफिक मिलेगा कौन सा लेवल लग के मिलेगा, 21, मतलब वो किस नेटवर्क के लिए आया है, 10.1.3. चलो ठीक है, एक अपडेट और भेज के देख लें, घर की बात है अब तो, चलो 5 पे बना लेते हैं लूप बैक सा, चार से 2 पे जाता वो अपडेट दिखा, पैकेट तो गलत खोल लिया मैंने, आरटी लेवल क्या है, समझ में ही बात, आउट और इन का कंसेप्ट भी समझ में आया, चले आगे